हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर का किचन। और मैं हूँ सुमित। आज हम लोगों ने एक साइड डिश बनाई है, यानी कि एक सपोर्टिव डिश बनाई है। ये है वेजिटेबल स्टॉक। ये अब आप समझ गए होंगे कि मेरे चैनल के ऊपर में अब सूप आने वाले हैं, कड़ीज आने वाली हैं, जिसके अंदर में वेजिटेबल स्टॉक डलेगा। और मेरी 25 के सेलिब्रेशन वाली वीडियो में भी मैंने वेजिटेबल स्टॉक का यूज़ किया था। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा टमाटर एक पीस, दो तीन पीस अनियन है, कद्दू है, लौकी है, गाजर है, खीरा है, मूली है, शिमला मिर्च है और अदरक है, ढेर सारी। जी हाँ, इसमें आपकी कोई भी क्वांटिटी नहीं होगी, बस आपने रफली सारी सब्जियों को ले लेना है। 1.5 किलो मैंने अपनी सारी सब्जियाँ ली हैं, इतनी काफ़ी रहेंगी। आप चाहें तो 1.25 किलो या 1 किलो भी आप ले सकते हैं। और मैं ये जो बनाऊँगा, ये मेरे को बनाना है जी 6 लीटर पानी में। तो ये पकने के बाद में वेजिटेबल स्टॉक हमें जब मिलेगा तो वो मिलेगा लगभग 4.25 लीटर, यानी कि 6 लीटर पानी बन जाएगा 4.25 लीटर। ठीक है, तो आप इसका हाफ़ भी बना सकते हैं। जितनी सब्जियां मैंने ली हैं लगभग इसकी आपने हाफ़ ले लेनी है। लगभग 600-700 ग्राम आप ले लें सब्जियाँ, आपका काम हो जाएगा। और आपने पानी 3 लीटर ले लेना है, ठीक है, जिससे जितना मैंने बना है आपका उसका हाफ बन जाएगा। 2 लीटर आपके पास में लगभग वेजिटेबल स्टॉक आ जाएगा। हमने अपनी सारी सब्जियों को जी रफली कट कर देना है। अगर अभी आपने पीछे वाली बात नहीं सुनी है ध्यान से, तो फिर से बैक जाएं, फिर से उसे सुने, आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में कि हमने वेजिटेबल स्टॉक आखिर बनाना कैसे है। इस वाले वेजिटेबल स्टॉक में जो होता है वेजिटेबल स्टॉक, उसके अंदर में किसी भी सब्जी की स्किन हम नहीं निकालते हैं, अच्छे से बस हम उसे वॉश करते हैं। भले वो अनियन ही क्यों ना हो, अनियन के भी छिलके हम नहीं निकालते हैं। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही बनते हैं। आप कभी भी रेस्टोरेंट में सूप पीते हैं किसी भी फ्लेवर का, तो उसके अंदर में एक अलग ही फ्लेवर आता है रेस्टोरेंट वाला, जो घर पर नहीं आ पाता है। उस फ्लेवर का राज होता है वेजिटेबल स्टॉक। आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने ली है आपको वही लेनी है। आप इसके अंदर गोभी कुछ भी आप डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल, कुछ भी जो भी सब्जी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, जो नहीं भी पसंद है वो भी डाल सकते हैं, बैगन वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं। इसे एक मैंने बड़ी सी कढ़ाई में लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में बना रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे चैनल पर सूप की रेसिपीज आने वाली हैं, ठंड आने वाली है गैस। बड़ी सी कढ़ाई मेरे पास में एक ही है मेरे घर पे, और वो है चाइनीज़ कढ़ाई। तो मैंने चाइनीज़ कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर में 6 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। अब हाई फ्लेम के ही ऊपर में हमने इसे अभी रखना है थोड़ी ही देर। और ये देखिए गाइस, हमारी ये जो सब्जियां कितनी अच्छी लग रही हैं पानी के अंदर में। रफली बस हमने इसे कट किया है, आपको भी ऐसे ही बस इसे कट कर लेना है, रफली कट कर लेना है। हाफ़ क्वान्टिटी बनानी है तो सब्जियाँ भी हाफ़ कर दें, पानी भी हाफ़ कर दें। दैट्स इट, इसे अब हमने मिक्स कर दिया है। इसके अंदर में ना एक बॉयल आने का हमें बस वेट करना है, हाई फ्लेम के ही ऊपर में है। ये देखिए, अब इसके अंदर में बॉयल जो है वो बस ऐसा ही आएगा। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि हमारा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी सब्जियां भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बॉयल ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं। ये देखिए, इसका जो कलर है ये अभी से ही बदलना स्टार्ट हो चुका है, सब्जियों का कलर पानी में जा रहा है। अब ये देखिए, इसमें से धुआं निकल रहा है, अभी तक हाई फ्लेम पर ही है। इसका कलर आप देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो चुका है, पहले ट्रांसपेरेंट था, अब ब्लैक स्टोन में आ रहा है, कॉफ़ी वाले कलर में आ रहा है ना, ब्राउन स्टोन में। अब हमने अपनी फ्लेम को जी मीडियम करना है और 25 मिनट के लिए इसे पकाना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर में 25 मिनट ये ऐसे ही बस पकता रहेगा। ये देखिए, 25 मिनट के बाद में हमारी जो फ्लेम है बंद कर देते हैं, और ये देखिए पानी के साइड में ऐसे पूरा जमा हुआ है, वो इसलिए है कि पानी अब कम हो रहा है, पानी सूख चुका है। और इसका अब हम देखते हैं, सब्जियां हमारी बिल्कुल ही एकदम गल चुकी हैं, एकदम ही पकी हुई हैं। और ये जो गैस पानी है ना, ये पानी है वेजिटेबल स्टॉक। अब ये जो सब्जियाँ हैं ना, इसमें अब कुछ खास कुछ बचा नहीं है न्यूट्रिशन वगैरह, इसलिए इन सब्जियों को आपने एक बार ठंडा कर लेना और जाके गाय को खिला दें, आपको कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। भूखे जानवरों को खाना खिलाना चाहिए,
इन सारी सब्जियों को अब हमने निकाल लेना है। अच्छे से आपने इसे निकाल लेना है। इतना ज़्यादा ये है कि इसे स्ट्रेन करना मुश्किल है, इसलिए मैं इसे सब्जियाँ ही निकाल देता हूँ, स्ट्रेन इसे नहीं करता हूँ। अब ये जो हमारा पानी है, ये वेजिटेबल स्टॉक, इसे अब हम डाल लेते हैं जी एक बाउल के अंदर में, और इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। 10 से 15 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, वैसे तो एक महीने तक कर सकते हैं, लेकिन सेफ साइड लेके 10-15 दिन आप चलें। ये देखिए अब हमारा वेजिटेबल स्टॉक कितना अच्छा लग रहा है। ये ड्रिंक वाले कलर का लग रहा है ना, विस्की वाले कलर का, लेकिन ये विस्की नहीं है, वेजिटेबल स्टॉक है। इसे आप जब एक चम्मच भी आप जब इसका पियेंगे ना, तो आपको इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा आपको इसका फ्लेवर आएगा। अब इसे स्टोर कैसे करना है, मैंने ऐसे वाले डब्बों में इसे डाल दिया, ये लगभग 4.25 लीटर है। इसे बस मैं बंद करूँगा और फ्रिज के अंदर में इसे मैं रख दूँगा ठंडा करने के बाद में, ऑब्वियस ही बात है। एंड दैट्स इट, आप इसे स्टोर कर सकते हैं। बाय बाय गाइस, लव यू।